हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किम एंड करी। मैं हूं आप सभी की पूरी होस्ट अमिता। और जैसा कि फेस्टिव सीजन चल रहा है तो मिठाई तो बनती है, तो आज हम वही बनाने वाले हैं, एक और मिठाई की रेसिपी जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से घर पे कम से कम चीजों के साथ बनके तैयार भी हो जाती है। तो रेसिपी शुरू करने के पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं यानी कि फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इसी तरीके की और भी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी याद से प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोज अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। इसी के साथ क्यूमन करी को फेसबुक इंस्टा पेज पे भी फॉलो करना ना भूले, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, क्योंकि वहां पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे पिक्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ खाने से ही रिलेटेड। तो चलिए बनाना सीखते हैं ये सिंपल इजी मिठाई की रेसिपी। मैंने बीच बीच में वो सारे सीक्रेट्स रिवील किए हैं जिस तरीके से हलवाई लोग अपनी बालूशाही बनाते हैं, तो एकदम परफेक्ट बालूशाही बनाने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले आपको 1/4 कप के जितना फ्रेश दही, जो कि खट्टी नहीं होनी चाहिए, और साथ में 1/4 कप के जितना देसी घी लेना है, जिसे मिक्सी में डाल के आपको हल्का सा चर्न कर लेना है। एक फेस क्रीम वाली जैसी कंसिस्टेंसी होती है वैसा मिक्सचर बना लेना है। आप हाथ से भी फेंट सकते हैं, लेकिन मिक्सी से थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो मैंने जस्ट 30 सेकेंड के लिए मिक्सी चलाई थी और हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। अगर आप हाथ से फेंट रहे हैं तो 5 से 6 मिनट लग सकते हैं। मिक्सी को बहुत ज़्यादा ना चलाएं, नहीं तो दही में से मक्खन निकल आएगा, तो एकदम हल्का आपको चलाना है, 30 सेकंड से ज़्यादा ना चलाएं। तो बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके दही और घी की। दही में अच्छे से घी मिल चुका है, आप देख सकते हैं कहीं भी दिख नहीं रहा है, और बिल्कुल फेस क्रीम वाली कंसिस्टेंसी है इसकी, तो ऐसा ही होना चाहिए। मैंने पहले से 1.5 कप के जितना मैदा नाप के रखा था उसे हम इसमें डाल लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये हल्का सा जायफल का पाउडर डाल रही हूँ, यानी कि नटमेग घिस के 1/4 छोटा चम्मच के जितना। इसके बाद आपको 1.5 कप के जितना मैदा डाल देना है। और ये है 1/4 छोटा चम्मच के जितना बेकिंग सोडा। सारी चीजों को अच्छे से मिलाएं। बहुत ज्यादा स्मूथ डो हमें नहीं बनाना, चिकना डो नहीं लगाना है आपको, थोड़ा सा रफ टेक्सचर होना चाहिए, तभी आपकी जो बालूशाही है खूब ढेर सारे फ्लेक्स वाली बनेगी। तो हल्के हाथ से मिलाना शुरू करें, अलग से पानी वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो बालूशाही का डो होता है बहुत ज्यादा नरम नहीं लगाना है आपको। आप देख सकते हैं मैं कितने हल्के हाथ से इसे मिक्स कर रही हूं। अभी आपको ये देख के लग रहा होगा कि बहुत रफ टेक्सचर है, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, तभी लेयर्स बनती हैं बालूशाही में। इसे हल्के हाथों से मिला ले जितना हो सके। दिवाली या फिर किसी फेस्टिवल वाले माहौल पे ये मिठाई बहुत अच्छी लगती है, जब भी आपका बनाने का मन हो। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही कम चीजों के साथ बनती है। सिर्फ दही, चीनी, मैदा और साथ में थोड़ा सा घी लगता है। तो ये फटाफट वाली मिठाई है। हमें सुन के देख के लगता है कि बालूशाही बहुत टफ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं, आसान सी रेसिपी है। अब चाशनी के लिए मैंने एक गहरे बर्तन में 2 कप के जितना चीनी ली है, जिसमें 1 कप के जितना मैं पानी ऐड कर दूंगी। चीनी को पहले हम घुलने देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के जितना ये दूध डाल दिया। दूध ऐड करने का रीज़न ये है क्योंकि जो हमने चीनी ऐड की है उसमें थोड़ी सी गंदगी होती है, जब आप दूध डालोगे तो वो झाग के फॉर्म में जितनी भी गंदगी है वो ऊपर आ जाएगी, और झाग को हम निकालेंगे और हमारी चाशनी एकदम साफ हो जाएगी। ये देखिए झाग बनना शुरू हो गया है। दूध की जगह आप थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं, नींबू का रस, दोनों ही चीज़ों से सेम आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो झाग आपको दिख रहा है ये आपको धीरे धीरे करके साइड से निकाल लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी जो चाशनी है एकदम साफ हो जाएगी। अब फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पे मैंने हरी इलायची यूज की है। तो हरी इलायची मैंने 5 से 6 हरी इलायची ली थी, जिसके बीज को हल्का सा कूट लिया था, तो हरी इलायची का पाउडर आपको ऐड करना है।
आप चाहे तो केसर के धागे वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के घर में नहीं होता है। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दिखाया कि अगर आपको फ्लेवरिंग करनी हो बालूशाही में तो हरी इलायची से किस तरीके से करें। तो यहाँ पे मैंने हरी इलायची का पाउडर निकाल लिया और इसे हम डाल देंगे चाशनी में। अभी सिर्फ चीनी घुली है, इसे हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, 7 से 8 मिनट के लिए। इसमें आपको ऐड कर देना है, अगर आपके पास है तो ऐड करिए, नहीं तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। 1 टीस्पून के जितना ये मैंने केवड़ा जल ऐड किया है, आप गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर दिया हमने, थोड़ा सा चिपचिपा घोल होना चाहिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इसमें कोई अभी तार नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे आपको अपने जो डो लगा के रखा है बालूशाही का, उसमें से हम पेड़े निकाल लेंगे। जितने बड़े नींबू होते हैं उस साइज के आपको इसमें से पेड़े निकालने हैं। आप देख सकते हैं मैंने दोबारा आटे को चिकना नहीं किया, बस इसे इस तरीके से तोड़ के आपको एक के ऊपर एक रखना है। इस तरीके से लेयर्स क्रिएट होती हैं आपकी बालूशाही में। मैंने गूंदा नहीं है, इस तरीके से तोड़ तोड़ के वापस से इकट्ठा कर रही हूँ, तो आपकी बालूशाही काफ़ी फ्लेकी बनेगी। अब इसे थोड़ा सा लंबा शेप देने की कोशिश करें ताकि इसमें से हम लोइयां कट कर लें। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आप इस पे जितना भी काम करें आटे को चिकना बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं या फिर पूरी का आटा गूंथते हैं उस तरीके से चिकना बिल्कुल भी नहीं करना है, रफ टेक्सचर होना चाहिए इसका। इसे मैंने लंबा कर लिया है, बस आप अपने मन चाहे साइज के इसमें से पेड़े कट कर लें। कोशिश करें कि सारे पेड़े सेम साइज के हों, ताकि जैसे हम एक बार में 5 से 6 डालते हैं तो उनका कुकिंग टाइम भी सेम रहेगा फिर, नहीं तो जो छोटे वाले हैं वो पहले पक जाएंगे, जो बड़े वाले हैं उनको पकने में और टाइम लगेगा। तो कोशिश करें कि सेम साइज के कट करें। आप देख सकते हैं आपको लेयर्स अभी से दिख रही होंगी इसमें से, तो ये तलने के बाद और ज़्यादा अच्छे से खुल जाएंगे। इन्हें थोड़ा सा आप गोल कर लें बालूशाही का शेप देने के लिए। और बीच में इस तरीके से गड्ढा कर दें ताकि बीच में से भी आपकी बालूशाही अच्छे से कुक हो जाए। इसी तरीके से हम बाकी के भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी बालूशाही बनके रेडी है, इसे बस हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। सबसे पहले आटे का थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखेंगे, वो जब आसानी से ऊपर आ जाए इस तरीके से, मतलब हमारा तेल घी जो भी आपने लिया है वो अच्छे से गर्म है, फिर एक एक करके आपको बालूशाही डाल देनी है उसमें। बालूशाही को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं तला जाता है, धीमी आँच पर ही तलना है आपको, ताकि अंदर तक अच्छे से वो पके। धीमी आँच पर एक बैच फ्राई होने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगते हैं, तो उसी हिसाब से आप फ्राई करें। और एक बार में उतने ही डालें जितने आराम से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना भरें, नहीं तो वो ठीक से फूलेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा भी ऐड किया है। एक बार में मैंने करीबन 6 के करीब ऐड किया है इसमें। इसे अच्छे से डीप फ्राई होने देंगे धीमी आँच पर। आपको धीरे धीरे इसकी लेयर्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। अभी जैसे बालूशाही नीचे है, धीमे धीमे वो अपने आप ही ऊपर आना शुरू होगा, तो तब तक आप इसे छेड़े नहीं, जैसे जैसे ये ऊपर आएगा उसके बाद पलटना शुरू करेंगे।
ये देखिए ये अपने आप ऊपर आ चुकी है। अब इस पॉइंट पे आपको पलट लेना है दूसरे साइड इसको। इसे डीप फ्राई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तेल में बुलबुले भी थोड़े से कम हो चुके हैं, तो बिल्कुल ये कलर आने तक आपको इसको डीप फ्राई करना है। ये एकदम अच्छे से पक चुका है। इसे निकाल के एकदम गर्मा गर्म आपको तुरंत ही चाशनी में डाल देना है। अगर आप इसे निकाल के कहीं और रखोगे और ठंडा होने के बाद चाशनी में डालोगे तो ये चाशनी को अंदर तक अच्छे से नहीं ले पाएगा, तो आपको गर्म गर्म पे ही डालना है, जैसे जलेबी बनती है बिल्कुल उसी तरीके से। ऊपर से भी थोड़ी सी चाशनी डालें। 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम इसमें ऐसे ही रहने देंगे ताकि जो चाशनी है अच्छे से वो अंदर ले ले, और इसी तरीके से बाकी के भी बैचेस फ्राई कर लेंगे। तो है ना कितनी सिंपल सी रेसिपी, सिर्फ कुछ चीज़ों के साथ, जो कि मैदा, चीनी, घी और दही, ये बेसिक से इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे किचन में हमेशा अवेलेबल होते हैं। इनके साथ ये सिंपल सी मिठाई बनके रेडी हो जाती है। तो इस फेस्टिव सीज़न आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही में सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी याद से दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नए वीडियोस अपलोड करूंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये नया वाला बैच मैंने ऐड कर दिया चाशनी में, ये पुराना वाला निकालूंगी क्योंकि उसने चाशनी को एकदम अच्छे से पी लिया है। इसे निकालने के बाद आप अपने मन चाहे किसी भी मेवे से इसको गार्निश कर सकते हैं। आज मैंने पिस्ता यूज़ किया है। आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लुक देने के लिए। मैं इसको तोड़ के अंदर से अभी आपको दिखा दे रही हूँ कि अंदर तक एकदम अच्छे से चाशनी गई हुई है और एकदम अच्छे से ये पका हुआ है। इसे रूम टेम्परेचर पे खाया जाता है। ये जैसे जैसे थोड़ा सा ठंडा होगा और ज़्यादा फ्लेकी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से चाशनी अंदर तक गई हुई है। मैं तोड़ के भी दिखा दूंगी अभी आपको। ऊपर से मैंने थोड़ा सा पिस्ते से इसको गार्निश कर दिया। आप अपने मनपसंद के किसी भी मेवे से इसको गार्निश कर सकते हैं, जैसे कि बादाम, काजू। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे बालूशाही बनके बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं ये बाहरी से देखने में बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो इस त्यौहार वाले टाइम पे अगर आपको कोई आसान सी झटपट मिठाई की रेसिपी बनानी है, ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ झटपट बनके तैयार भी हो जाती है आधे घंटे के अंदर अंदर, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर रेसिपी पसंद आई हो तो। मैं आपको अंदर से भी बालूशाही का टेक्सचर दिखा दे रही हूँ कि अंदर तक अच्छे से चाशनी गई हुई है। तो यहाँ पे मैंने एक बालूशाही ली और आप अंदर से देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा फ्लेकी है और अंदर तक अच्छे से पकी हुई है और जूसेस भी अंदर तक गए हुए हैं। तो आप ये रेसिपी ट्राई करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। तो दोस्तों इसी तरीके की और भी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है यानी कि घंटी जैसा साइन, उसे भी याद से दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नए वीडियोस अपलोड करूंगी उनके नोटिफिकेशंस आपसे मिस नहीं होंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।